Hello, students, how are you all? I hope that you all will be fine, guys. Myself, myself, Jitan Singh, Jitu sir, your English teacher. Today, in this video, we are going to discuss the second part of the chapter, First Flight, and the second chapter name is The Black Aeroplane. In this video, we will discuss about the Hindi explanation of this chapter. So, let's come on the point and start the explanation. The moon. वो वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट सूरज ईस्ट में निकल रहा था बिहड मी मेरे ठीक पीछे एंड स्टार्स वर साइनिंग इन द क्लियर स्काई अबो मी और तारे साफ आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई आकाश में एक भी बादल नहीं था आई वॉज हैप्पी टू बी अलाउन हाई अपंट्री साई मैं बहुत खुश था कि मैं सोते हुए देश के ठीक ऊपर था यानी हवाई जहाज में उड़ रहा था फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस और मैं फ्रांस के ऊपर अपने उस पुराने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था बैक टू इंग्लैंड वापस इंग्लैंड जा रहा था आई वॉज़ ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली मैं अपने हॉलीडे का स्वप्न देख रहा था सोच रहा था कि शीघ्र ही अपने फैमिली के साथ हूँ मैं आई लुकड एट माई वॉच मैंने अपनी घड़ी में देखा वन थर्टी इन द मॉर्निंग डेढ़ बजा हुआ था मॉर्निंग में सुबह आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून आई थॉट मैंने सोचा कि शीघ्र ही मुझे पेरिस कंट्रोल रूम कॉल करनी चाहिए आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी जब मैंने एरोप्लेन को के मुँह को नीचे की तरफ किया तो मैंने नीचे शहर की लाइटों को जलते हुए देखा मेरे ठीक सामने आई स्विचड ऑन द रेडियो एंड सैट मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा डी एस जीरो ऐट एट हीयर कैन यू हीयर मी आई एम ऑन माय वे टू इंग्लैंड ओवर मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल रूम डेकोटा डी एस जीरो ऐट एट आ गया है और क्या आप मेरी बात सुन रहे हो मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडियटली शीघ्र ही उधर से आंसर आया डी एस जीरो एटेड आई कैन हीयर यू हाँ मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ यू ऑट टू टर्न डिग्री वेस्ट आपको ट्वेल्व डिग्री वेस्ट साइड में मोड़ना चाहिए डी एस जीरो एट ओवर यानी बातचीत उनकी ओवर हो गई आई चेक द मैप एंड द कम्पास जब मैंने मैप को और कम्पास को चेक किया स्विचड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक को मैंने स्विच ऑन कर दिया एंड टर्न द डेकोटा ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट और मैंने डेकोटा यानी अपने एरोप्लेन को बारह डिग्री वेस्ट साइड में इंग्लैंड की तरफ टर्न कर दिया आई विल बी इन टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट मैं ब्रेकफास्ट के लिए टाइम से पहुंच जाऊंगा। आई थाट ऐसा मैंने सोचा अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करूँगा वहाँ पर एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था इट वॉज़ एन ईजी फ्लाइट बहुत ही ईजी से मेरी फ्लाइट उड़ रही थी पेरिस वॉज अबाउट वन फिफ्टी किलोमीटर्स पेरिस एक सौ पचास किलोमीटर मुझसे पीछे था वेनाई सॉ द्लाउड्स तभी मैंने कुछ बादलों को देखा स्टार्म क्लाउड्स बादलों का तूफान जैसा देवर हक वे बहुत बड़े बड़े बादल थे दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी वे बड़े पर्वत जैसे काले काले बादल दिखाई दे रहे थे जो मेरे ठीक सामने थे अक्रॉस द स्काई पूरे आकाश में आई न्यू आई को नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता एंड आई डिड नॉट हैव इनअ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं इनका चक्कर लगा के उड़ जाऊं टू द नॉर्थ और साउथ नॉर्थ या साउथ साइड में आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए आई थॉट मैंने सोचा बट वॉन्टेड टू गेट होम लेकिन मैं घर जाना चाहता था आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था आई विल टेक द रिस्क इसलिए मैंने सोचा मैं रिस्क लूँगा आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टोर मैंने अपने ओल्ड डेकोटा को सीधे उस बादलों के तूफान में उड़ा दिया इनसाइड द क्लाउड्स बादलों के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक एन सब कुछ काला ही काला हो गया इट वॉज इम्पॉसिबल टू एनी थिंग आउटसाइड बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था द ओल्ड एरोप्ल जम्पड एंड ट्विस्टेड इन द एयर मेरा एरोप्ल हवा में उछल रहा था आई लुकड एट द कम्पास जब मैंने खम्पास को देखा आई कुडेंट बिलीव तो मुझे विश्वास नहीं हुआ माई आईज अपनी आँखों पर द कम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड कम्पास राउंड एंड राउंड घूम रहा था इट वॉज डेड वो खराब हो गया था इट वॉज नॉट वर्क काम नहीं कर रहा था द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड अन्य इंस्ट्रूमेंट भी अचानक डेड हो गए थे टू आई ट्राई द रेडियो इसलिए मैंने रेडियो को ट्राई किया पेरिस कंट्रोल रूम पैरिस कंट्रोल कैन यू हीयर मी देयर वाज नो आंसर देखो लेकिन कोई आंसर नहीं आया रेडियो वाज डेड टू रेडियो भी ख़राब हो गया था आई हैड नो रेडियो मेरे पास रेडियो नहीं था नो कंपास कंपास भी नहीं था एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ था आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोर मैं उस तूफान में खो गया था दैन इन द्लैक क्लाउड्स क्वाइट नीयर मी तभी उस काले बादलों में मेरे ठीक पास आई सो अनोदर एरोप्लेन मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स इसके पंखों में कोई लाइट नहीं थी बट आई कुड सी इट फ्लाइंग लेकिन मैं उसे उड़ते हुए देख रहा था नेक्स्ट टू मी जो मेरे ठीक सामने था थ्रो द स्टोर्म उस तूफान से होकर वह उड़ रहा था आई कुड सी दायलट्स फेस मैंने पायलट का फेस अच्छी तरह देखा टर्न टुवार्ड मी वह मेरी तरफ मुड़ा आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड उसने एक हाथ उठाया और उसको वेव किया फॉलो मी और कहा मेरा पी, मेरे फॉलो मुझे फॉलो करो ही वॉज सेंग फॉलो मी ही नोज दैट आई एम लॉस्ट वह जानता था कि मैं खो गया हूँ आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मैंने सोचा कि शायद ये मेरी हेल्प करने का प्रयास कर रहा है ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ उसने धीमे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ में टर्न किया इन फ्रंट ऑफ माई डॉकोटा मेरे डेकोटा के सीख ठीक सामने सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम ताकि मैं आसानी से उसको फॉलो कर सकूँ आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द देंज एरोप्लेन लाइक एन ओविडेंट चाइल्ड मैं उस अद्भुत विचित्र एरोप्लेन के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह फॉलो कर रहा था आफ्टर एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी आधा घंटे बाद भी वह एरोप्लेन मेरे ठीक सामने था इन द क्लाउड्स बादलों में नाउ देयर वाज ओनली वन फ्यूल इन द ओल्ड एकोटास लास्ट टैंक अब डेकोटा के लास्ट फ्यूल टैंक में केवल थोड़ा सा ही फ्यूल बचा था फ्लाई फॉर फाइव और टेन मिनट्स मोर ज़्यादा से ज़्यादा मैं पाँच या दस मिनट और उड़ सकता था आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन मुझे अब डर लगने लगा बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टोर फिर वह नीचे जाने लगा और मैं उसका फॉलो करने लगा सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने अपने ठीक सामने दो लॉन्ग लाइट्स को देखा इट वॉज़ अ रन वे ये एक रन वे था एंड एयरपोर्ट था आई वॉज सेफ मैं बिल्कुल सेफ था आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन मैंने मुड़ करके अपने उस साथी को देखना चाहा बट द स्काई वॉस इम्पटी लेकिन आकाश बिल्कुल खाली था देयर वॉज नथिंग देयर वहाँ कोई नहीं था द ब्लैक एरोप्लन वाजगोन वह एरोप्लन जा चुका था आई कूड सीट एनी वेयर मैं उसे कहीं देख नहीं पाया आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फॉर द ओल्ड एक्कोटा नियर द कंट्रोल टावर मैं नीचे उतरा लेकिन मुझे कोई खेद नहीं था कि मैं ओल्ड डेकोटा से कंट्रोल टावर के पास आया आई वेंट एंड आस्कड अ वेन इन कंट्रोल सेंटर मैं अंदर गया और एक कंट्रोल सेंटर की वोमेन से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज मैं कहाँ हूँ और ये अदर पायलट कौन था आई वांटेड टू से थैंक यू मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ट उसने मेरी तरफ देखा फिर हंसकर कहा अनदर एलोप्लान दूसरा जहाज अब देयर इन जिस स्टोर में इस तूफान में नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार केवल आपका ही मैंने देखा था राडार पर सो हु हेल्पड मी टू अराइव दे आर सेफली विदाउट ए कंपास और अ रेडियो अच्छा इसलिए तुमने मेरी हेल्प की नीचे आने में बिना कंपास और रेडियो के एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक और बिना फ्यूल uh, के मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था हुज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन कौन था वह पायलट उस एरोप्लेन में फ्लाइंग इन स्टोर्म जो तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट बिना लाइट के सो गाइस इट वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट now we will discuss about the question answer of this chapter in the next video till then thank you bye bye